हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में गालोबार गांव से उत्पाद विभाग हजारीबाग ने लगभग 50,000 के शराब जब्त किए हैं। आपको बता दें कि इसमें अंग्रेजी शराब भी शामिल है, जिसमें से ज्यादातर शराब नकली बनाए हुए हैं। उत्पाद विभाग के निदेशक तेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विष्णुगढ़ क्षेत्र से शराब की खेप बिहार जाने की तैयारी में थी, जो कि बिहार में चुनाव है, इसलिए इन दिनों बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जिसके फलस्वरूप गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। आगे भी नियंत्रण ऐसे ही कार्यवाही जारी रहेगी। झारखंड सरकार के राजस्व में इजाफा के संकेत इस तरह की कार्यवाहियों में शामिल रहेगी। इसी के साथ हजारीबाग से P3 न्यूज झारखंड के लिए रवि शर्मा की देखिए एक रिपोर्ट। क्या कुछ मामला था, कहाँ से पकड़ा गया ये? विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत गालोबाग में हमें इस अवैध शराब की सूचना मिली थी और उस गुप्त सूचना पर हम लोग कार्रवाई करते हुए गालोबाग में से हम लोगों ने ये रिकवर किया है। ये कब हुआ? कल शाम की घटना है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव।